अब हम दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। यह है सेंट थॉमस एक्विनास का, जो 1255 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ और 1274 बहुत कम समय ये जीवित रहे, लेकिन इन्होंने राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा दी। इनके जो रचनाएं सुम्मा थियोलॉजिका, अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, राजाओं का शासन, सुम्मा कंट्रा जेनेटाइल्स, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन विचारधारा ऐसी है जो धर्म को राज्य के साथ कैसे जोड़ती है, और व्यक्तियों से ये उम्मीद करती है, राज्य के निवासियों से ये उम्मीद करती है कि वो राज्य धार्मिक हो और राज्य को धर्म के साथ जोड़ के एक ऐसा राज्य बनाया जाए जो वास्तव में किसी का नुकसान नहीं करे। तो ये सोफिस्ट विचारधारा है ईसाइयों की, जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम शुरू करते हैं सेंट थॉमस एक्विनास के राज्य संबंधी विचार और दास प्रथा संबंधी विचार, फिर हम कानूनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। कानून चार प्रकार के बताते हैं वो। एक है शाश्वत, ईश्वरीय न्याय होगा, प्राकृतिक होगा और मानवीय होगा, ये चार न्याय हैं। और जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि कानून तो केवल देखता है आप व्यक्ति के कि ये सही है गलत है, लेकिन जो ईश्वर का न्याय होता है वो व्यक्ति का। महानतम समन्वयवादी विचारक सेंट थॉमस एक्विनास मध्यकालीन विचारकों में सबसे महान थे। फॉस्टर ने इन्हें महान क्रमबद्ध दार्शनिकों में से एक कहा है। डनिंग के अनुसार थॉमस एक्विनास महानतम स्कॉलिस्टिक थे। उनका मुख्य ध्येय स्कॉलिस्टिसिज्म की भावना के अनुरूप ईसाई चर्च की शिक्षाओं तथा अरस्तु के दर्शन के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। वे अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित थे, किंतु अरस्तु की बातों को सही मानते हुए भी उसे पूर्ण सत्य नहीं मानते थे। वे मानते थे कि ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य ज्ञान को पूरा करने वाला है। इस प्रकार उन्होंने प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ समन्वय किया। फॉस्टर कहते हैं, एक्विनास ने अपने दर्शन में आरंभ से अंत तक यह सिद्धांत माना कि अरस्तुवाद सत्य है परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। यह सत्य है यहाँ तक कि उसे विश्वास की सहायता के बिना मानव विवेक से खोजा जा सकता है, परंतु विश्वास से परवर्ती प्रकटन से उसको रद्द नहीं किया। जो कुछ विवेक ने खोज लिया उसने तो केवल उसे पूर्ण किया है। इस प्रकार यह दर्शन के प्रत्येक विभाग में यूनानी आधार पर ईसाई भवन खड़ा करता है। जैसे अरस्तु मनुष्य का उद्देश्य ऐहिक सुख की प्राप्ति मानता है, एक्विनास उसे मानता है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और भी है, जिसकी तुलना में यह सुख गौण है, और वह है पारलौकिक आनंद या मुक्ति प्राप्त करना। जिस प्रकार भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, उसी प्रकार इस अंतिम ध्येय की प्राप्ति के लिए चर्च एक आवश्यक संस्था है। एक्विनास का जन्म जो है 1255 में नेपल्स राज के एक्विनो में हुआ, और इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, क्योंकि 1274 ईस्वी में केवल 49 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, उनकी रचना है जो मैंने आपको पहले बता दी है। बिल दुरा इनके बारे में लिखते हैं कि इतिहास में बहुत थोड़े विद्वान हुए जिन्होंने एक साथ विचार के इतने विशाल क्षेत्र को इतने क्रमबद्ध रूप में और स्पष्टता के साथ प्रकाशित किया है। अब राज्य संबंधी विचार। मध्य युग में मत प्रचलित था कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के अधःपतन या पाप के कारण हुई है, इसलिए राज्य एक प्राकृतिक संस्था न होकर पाप प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न एक आवश्यक बुराई है, और राज्य तथा सरकार का मुख्य कार्य मनुष्य की इस पाप प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना है। परंतु थॉमस एक्विनास इससे भिन्न विचार रखते हैं। उन्होंने कहा, मानव स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, और राज्य इसलिए आवश्यक नहीं है कि वह मनुष्यों की बुराई पर रोक लगाता है, वरन इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपना पूर्ण विकास राज्य के बाहर नहीं कर सकता, या राज्य के बाहर वह पूर्ण आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। एक्विनास ने सरकार की इस आवश्यकता को मनुष्य की सामाजिक प्रकृति पर आधारित माना है, और सरकार के संगठन को शासितों के शुभ के लिए शासक के उच्च स्तरीय विवेक और नैतिकता पर। तो दोनों विचारों में अरस्तु से उसकी समानता स्पष्ट है। एक्विनास राज्य को एक बंधन के रूप में ना लेकर स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था के रूप में मानता है। उसने एक राष्ट्रीय राज्य को प्राथमिकता प्रदान की है।
उसका मत था कि रीति रिवाजों की एकता तथा समानता राज्य का उत्तम आधार होती है और ऐसी एकता विशाल साम्राज्य की अपेक्षा छोटे राज्यों में अधिक प्राप्त होती है। यह राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत ईश्वर है और फिर बाइबल का प्रमाण देता है कि विश्व में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। देयर इज नो पावर बट ऑफ गॉड। भगवान जगत का अंतिम कारण तथा इसे प्रथम गति प्रदान करने वाला प्राइम मूवर है। वह ये भी तर्क प्रस्तुत करता है कि भगवान योग्य जातियों को ही राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है। अब राज्य के जो बात करता है तो वह राज्यों के वर्गीकरण की बात करता है। वह छह प्रकार के राज्य बताता है। निरंकुश राजतंत्र सबसे बुरा बात बोलता है, राजतंत्र का ये भ्रष्ट रूप है। फिर कुलीन तंत्र, मध्यमवर्गीय जनतंत्र, सामान्य तंत्र और लोकतंत्र आता है। सामान्य हित पर आधारित राज्य अच्छा और न्यायपूर्ण होता है। विभिन्न शासन प्रणालियों में अरस्तु का झुकाव कुछ सीमा तक मध्यमवर्गीय लोकतंत्र पर था, किंतु एक्विनास का झुकाव राजतंत्र की ओर है। क्यों? उसका मत है कि एकता समाज का मुख्य ध्येय है और सरकार के संगठन में एकता लाने के लिए शासन की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। समाज का कल्याण इसी में निहित है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय का शासन होता है, मधुमक्खियों पर रानी मक्खी का शासन होता है और समस्त ब्रह्मांड में एक ईश्वर का शासन होता है, उसी प्रकार राज्य में एक व्यक्ति का शासन होना उचित है। उसके अनुसार राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है क्योंकि यह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है। विभिन्न राज्यों के क्रियात्मक अनुभव से पता लगता है कि राजतंत्रात्मक प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ जहाँ प्रजातंत्र है वहाँ फूट, झगड़े, दलबंदियाँ होंगी, लेकिन राजतंत्र में सदैव शांति और समृद्धि होगी। थॉमस भी जॉन ऑफ सलिसबरी की भांति अत्याचारी शासन के विरुद्ध है, किंतु थॉमस सलिसबरी की भांति जनता को अत्याचारी शासन के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं देता। वह राजतंत्र को वंशानुगत रखने के बजाय निर्वाचित कर देने की परंपरा का अनुमोदन करता है। वह ये कहता है कि निर्वाचन के पश्चात राजा पर शपथ द्वारा ये बंधन लगाया जाना चाहिए कि वह शासन का कार्य संविधान के अनुरूप ही करेगा। अब सरकार के क्या कार्य होते हैं? थॉमस एक्विनस कहते हैं, नंबर एक, शासन के द्वारा कानूनों के उचित पालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में उसके द्वारा पुरस्कारों और दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा, राज्य द्वारा बाहरी शत्रुओं और आक्रांताओं से अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए। तीसरा, सड़कों को सुरक्षित और चोर डाकुओं के उपद्रवों से मुक्त रखा जाना चाहिए। चौथा, शासक के द्वारा अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति चलाई जानी चाहिए और भार एवं तोल की समुचित प्रणाली निश्चित की जानी चाहिए। पांचवा, राज्य के द्वारा अपनी जनसंख्या को सीमित रखा जाना चाहिए। दास प्रथा संबंधी विचार, वह भी दास प्रथा का समर्थन करता है, लेकिन एक्विनास इस पक्ष ये दर्द देता है कि इससे सैनिकों में वीरता, शौर्य और उत्साह की भावना का संचार होता है। युद्ध में पराजित होने पर सैनिक दास बना लिए जाते हैं, अतः ये बात सैनिकों को युद्ध में अधिकाधिक वीरता प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वे विजयी हों और दास न बने। अब धर्म सत्ता और राज संबंधी जो विचार है, राज सत्ता संबंधी, वो कहता है कि विशेष सत्य और मानव जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य विवेक के आधार पर नहीं वरन विश्वास के आधार पर होना चाहिए। विश्वास के क्षेत्र में चर्च अंतिम सत्ता होने के कारण लौकिक क्षेत्र में ही सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। शासक का कर्तव्य है कि वह लौकिक कार्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार संपादित करे और इस दृष्टि से राज्य के अधिकार पुरोहित या पादरी वर्ग और चर्च के देवी कानून के अधीन होने चाहिए। अब यदि कोई शासक चर्च की आज्ञाओं की अवहेलना करता है तो उसे पदच्युत और बहिष्कृत कर देना चाहिए। मध्यकाल में पोप का भी यही विचार था कि राजा ईश्वर की प्रतिमूर्ति हो सकता है, लेकिन वह चर्च की अवहेलना करे तो उसे बहिष्कृत कर देना चाहिए।
एक्विनास ने राज्य और चर्च के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए अब जहाज के रूपक का उदाहरण दिया। राज्य रूपी जहाज पर राजा बड़े ही की भांति है, जिसका काम आवश्यक मरम्मत द्वारा जहाज को ठीक हालत में रखना है, किंतु चर्च का काम जहाज के चालक जैसा है, जो उसे निश्चित स्थान की ओर ले जाता है। जिस प्रकार बड़ई जहाज के चालक के अनुशासन में रहता है, उसी प्रकार राज्य और उसके शासक को चर्च के नियंत्रण में रहना चाहिए। इसी प्रकार एक्विनास ने राज्य के समस्त व्यक्तियों संस्थाओं पर चर्च का प्रभुत्व सिद्ध किया है। एक्विनास के धर्म सत्ता और राज संबंधी विचारों पर अगर फोस्टर जो टिप्पणी करते हैं, वो कहते हैं, एक्विनास के लिए चर्च सामाजिक संगठन का ताज है, वह लौकिक संगठन का प्रतिद्वंदी नहीं है, वरन उसकी पूर्णता है। अब कानून संबंधी विचार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें वह कहते हैं, कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है, जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। कानून सार्वभौमिक है, कानून के ऊपर कोई भी सत्ता नहीं होती और कानून की आज्ञा का पालन सबको करना है। कानून की एक विशेषता उसकी अपरिवर्तनशीलता होती है, जिसका आशय केवल यह है कि राजा उसमें मनमाने ढंग से परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त उसका सबसे महान गुण यह है कि विधियाँ अस्वाभाविक रूप से मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कार्य नहीं करती, बल्कि उनमें स्वाभाविकता होती है। कानून का मूल स्रोत क्या है? प्रकृति। यदि कानून न्याय या धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, तो वास्तविकता नहीं वरन कानून का विकृत रूप होगा। मानवीय कानून देवीय कानून के साथ सामिप्य प्रकट करे। मानवीय कानून कोई अलग वस्तु नहीं है, वरन ईश्वरी सत्ता की देन है। कानूनों का वर्गीकरण, कानूनों की चार श्रेणी बताते हैं एक्विनास। पहला है शाश्वत कानून। शाश्वत कानून या इटर्नल लॉस, ये ईश्वरी ज्ञान है, जिसके द्वारा प्रकृति की सृष्टि की जाती है और जो प्रकृति एवं ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखता है। संपूर्ण सृष्टि के अंतर्गत मानव समाज, पशु और वनस्पति आदि इसी कानून के अधीन है। यह कानून ईश्वर में निहित रहता है और अभिव्यक्तिकरण हेतु विश्व में व्यापक होता रहता है। मनुष्य अनेक बार शाश्वत कानून को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता है, किंतु शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक का प्रतीक होता है। मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है। वे अपनी पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिका में लिखते हैं, शाश्वत कानून देवी ज्ञान है, जो सभी कार्यों और प्रवृत्तियों का निर्देशन देता है, वह स्वयं में सत्य है। दूसरा है प्राकृतिक कानून। मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्रकट करता है। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से हुई है। शाश्वत कानून को तो मनुष्य समझ नहीं पाता है पूरा, लेकिन प्राकृतिक कानून अधिक बोधगम्य और स्पष्ट हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप में व्याप्त हैं, ये पशुओं और वनस्पति में भी हैं, किंतु मनुष्यों में प्राकृतिक कानून का सुंदर ढंग से अभिव्यक्तिकरण हुआ है। और पौधे और पशु तो अविचेतन हैं, मनुष्य विवेक के साथ कार्य करता है। मानव जीना चाहता है और जीने के लिए जीवन सुरक्षा की आवश्यकता है, इसे जीवन की सुरक्षा अर्थात आत्मरक्षा प्राकृतिक कानून है। और ये ईश्वरीय अभिव्यंजना है। ये कानून है परिवर्तनीय और इसके साथ साथ आवश्यक है। ये कोई अलग वस्तु नहीं है, वरन मनुष्य में निहित देवी प्रेरणा है। अब तीसरी बात आती है, वो है मानवीय कानून। ये मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत रखने के लिए अपनाई गई सारी दंड व्यवस्थाएँ हैं, जिनके भय से समाज में शांति रहती है। यदि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के प्रतिकूल हो, तो इसे कानून नहीं वरन कानून का भ्रष्ट रूप मानना चाहिए। मानवीय कानून की आवश्यकता इसलिए होती है कि प्राकृतिक कानून निश्चित और अपरिभाषित होते हैं और दंड नहीं होता है उसमें। जैसे चोरी और हत्या अपराध है प्राकृतिक कानून के अनुसार, लेकिन यह नहीं बताया कि चोरी और हत्या किसे कहा जाए और किसे नहीं, और इनके लिए क्या दंड है। विशेष परिस्थितियों में विशेष कानून की आवश्यकता होती है और इसे पूरा करने के लिए ही मानवीय कानून है। मानवीय कानून विवेक पर आधारित घोषणाएं हैं, ये इसकी विशेषता है। राजा की इच्छा आदेश या कानून विवेक पर आधारित नहीं है, तो वह कानून नहीं अधर्म है, दुराचार है। सेबाइन लिखते हैं,
सत्ता केवल उसे शक्ति प्रदान करती है जो स्वाभाविक रूप से युक्ति युक्त और न्यायोचित है। मानवीय कानून सकारात्मक विधियां हैं। विधियां भी दो प्रकार की होती हैं, नागरिकों के लिए, राष्ट्रों के लिए। ये उचित अनुचित, सत्य असत्य, न्याय अन्याय और अच्छाई बुराई की मापदंड निर्धारित करती हैं। मानवीय कानून सामान्य हित की पूर्ति के साधन है। मानवीय कानून किसी व्यक्ति विशेष या विशिष्ट वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए नहीं, वरन समस्त समुदाय के सामान्य हितों की पूर्ति के लिए है। मानवीय कानून लौकिक क्षेत्र पर निर्भर कर सीमित हैं। मानवीय कानून सार्वजनिक सहमति और मान्यता पर आधारित होते हैं। मानवीय कानून के पीछे दंड की शक्ति का बल होता है और मानवीय कानून का पालन सशर्त होता है। अब चौथा जो है वो हम पढ़ते हैं, वो है देवी कानून। ये बाइबिल के पुराने और नए धर्म नियमों, ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट्स पे आधारित है। जब कोई भी मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है तो ये देवी विधि मनुष्य में उत्पन्न कमियों और बुराइयों को दूर करती है। इनका पालन अन्य विधियों की तरह करना जरूरी है। देवी कानून नागरिकों और प्रशासकों का उन क्षेत्रों में प्रेरित करने का ईश्वरीय तरीका है जहाँ मानवीय कानून नहीं पहुँच सकते। तो एक्विनास द्वारा वर्णित चार प्रकार के कानूनों में शाश्वत एवं देवी कानूनों का संबंध धर्म और आध्यात्मिकता से है, जबकि प्राकृतिक व मानवीय कानून जो है उसका राजनीतिक और भौतिकता से संबंध है। तो ये हमने पढ़ा है थॉमस एक्विनास को, और ये दोनों ही जो विचारक हैं मध्यकाल के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। धन्यवाद।